सब्सक्राइब कीजिए जय मां नैना देवी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के ज्ञाता एवं घर के बड़े बुजुर्ग सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हमेशा अपने घर की पूजा घर में एक लोटा पानी अवश्य भर के रखना चाहिए। आखिर ऐसा वो क्यों कहते हैं और घर के मंदिर में हमेशा एक लोटा पानी क्यों रखना चाहिए? दोस्तों, एक लोटा पानी हमारे जीवन में किस तरह खुशियां एवं धन और किस तरह हमारे भाग्य को चमका सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा एक लोटा पानी भर के रखना चाहिए और अगले दिन पूजा करने के पश्चात उस लोटे का पानी पूरे घर में छिड़कना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि घर में किसी तरह की कोई बुरी शक्ति का संचार हो रहा है या बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके घर पे पड़ रहा हो तो ऐसा करने से उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और वह बहुत ही जल्द नष्ट हो जाता है। घर में पूजा के समय इस्तेमाल किए गए फूलों को सूखने के पश्चात घर में कदापि न रखें। सूखे हुए फूलों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसीलिए सूखे फूलों को हमेशा पानी में बहा देना चाहिए या फिर घर के बाहर किसी भी वृक्ष की जड़ में दबा देना चाहिए। दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रख के अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो और अपना भाग्य चमका सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय माता दी।